नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 7 जून 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। पहला है एम्बेडेड इन अम्बेडकर हिस्टोरियोग्राफी। ये आर्टिकल एक्चुअली में इसलिए छपा है क्योंकि रिसेंटली अभी एक बुक पब्लिश हुई है 7 जून को। बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम राइट साइड पर आप इसका कवर ही दिख रहा है, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। जयराम रमेश जी ने इस किताब को लिखा और इस जयराम रमेश नाम को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, केरला की पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव हैं, एमपी वगैरह भी रह चुके हैं। द लाइट ऑफ एशिया इनकी किताब का नाम है। इनफैक्ट अभी भी जयराम रमेश साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बट वो राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब एक्चुअली में इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं। लंदन में जुलाई 1879 में एक पोएम पब्लिश हुई थी जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया। ये जो पोएम है इसको पब्लिश किया था सर एडविन आर्नल्ड साहब ने। तो सर एडविन आर्नल्ड साहब ने जो लाइट ऑफ एशिया पोएम पब्लिश की थी ये बुद्धा के बारे में पोएम थी। और ऐसा बोला जाता है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे लीडर्स इस पोएम से कहीं ना कहीं प्रेरित हुए हैं। चाहे वो आप बात कर लो स्वामी विवेकानंद जी की, चाहे बात कर लीजिए महात्मा गांधी जी की, चाहे बात कर लीजिए जवाहरलाल नेहरू जी की, चाहे बात कर लीजिए अम्बेडकर साहब की। इन सब की जिंदगियों पे कहीं ना कहीं एडविन आर्नल्ड साहब की जो पोएम थी द लाइट ऑफ एशिया इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। इसमें यह बताया गया है कि जो एडविन आर्नल्ड साहब है वो कहीं ना कहीं इंडोफाइल थे, मतलब कि इंडिया वगैरह की स्टडीज से वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे, पॉलीग्लॉट थे, उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। तो किस प्रकार से ये जो लाइट ऑफ एशिया पोएम है इसने अलग अलग लीडर्स के, कह सकते हैं ना, लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डाला, उनकी सोच के ऊपर इम्पैक्ट डाला, शायद इसी के ऊपर यहाँ पे जयराम रमेश साहब ने किताब लिखी और उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक आर्टिकल छपा है। तो भाई एग्जाम्स के रिस्पेक्ट से यहाँ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए अलग से इसको मैंने डिस्कस किया नहीं है। किताब याद रखिएगा किसने करी है। अभी आप देख सकते हो कि 7 जून 2021 यानी कि आज ही किताब पब्लिश हो रही है, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, जयराम रमेश साहब की लिखी हुई ये किताब है। आगे बात करते हैं द रेड फ्लैग्स ऑफ द ट्रेल ऑफ वायरस। बेसिकली ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये लिखा है जयंत प्रसाद साहब ने। ये फॉर्मर डिप्लोमेट है और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है एट द इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज इन एनालिसिस। इनका ये बोलना है कि ये जो कोरोना वायरस का लीक हुआ है इसके बहुत हद तक चांसेस हैं कि वुहान की लेबोरेटरी से हुआ हो। जितने भी अब तक WHO की रिसर्च हुई है, जितने भी बड़े बड़े पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट दुनिया भर के खासकर अमेरिका के, वो ये बोल रहे हैं कि जो वायरस लीक है ये बहुत नेचुरल तरीके से हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पोम्पियो, वो लगातार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि नहीं भाई ये वुहान के लेबोरेटरी से लीक हुआ है। तो एक्चुअली में वुहान के लेबोरेटरी में क्या हो रहा था इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। और वुहान के लेबोरेटरी में जो रिसर्च चल रही थी ना कोरोना वायरस के ऊपर, उसके लिए पैसा अमेरिका से ही गया था, ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो वायरस है पूरे चांसेस हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये नेचुरल पाथवे से आया हो। एक बहुत बड़ी पोटेंट पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये जो पर्टिकुलर कोरोना वायरस है ये वुहान की लेबोरेटरी से ही लीक हुआ हो। और यहाँ पे इस चीज़ की प्रॉपर जांच पड़ताल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है चाइना के ऊपर, और चाइना ने इस पर्टिकुलर फैक्ट को यहाँ पे दबा दिया है, छुपा दिया है। WHO को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग इस आर्टिकल में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मीडिया एंड सेडिशन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस हुआ था ना अभी आपको विनोद दुआ जी का, विनोद दुआ जी के अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश में क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ था कि उन्होंने यूट्यूब पे आके मोदी जी के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था। तो अभी इस रिस्पेक्ट में केदारनाथ जजमेंट को इन्वोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हो और पब्लिक ऑर्डर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, वायलेंस नहीं कर रहे हो, बस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, उसकी बनाई गई लॉ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो ये सेडिशन नहीं है। बट कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में इस पॉइंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल मोटिव को नहीं खंगाला, पॉलिटिकल एंगल को इस पर्टिकुलर केस में नहीं खंगाला, पॉलिटिशियंस सरकार को कुछ नहीं बोला, ये बात यहाँ पे इस आर्टिकल में कही गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं सेक्शन 124A को हो सकता है आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट फिर से री एग्जामिन करे, बट पॉलिटिकल मोटिव्स को खंगालने से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बचा है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बहुत भीनी तरीके से आप कह सकते हो कि इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है, क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है इस आर्टिकल में, इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डिमिनिशिंग ऑप्शंस। भाई यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी आई है और इस मॉनेटरी पॉलिसी के चलते ये पता चल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं है। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट करती है वो मॉनेटरी पॉलिसी देती है, एक साल में कम से कम 4 बार तो इसको मीट करना ही होता है और उन 4 बारों में रेपो रेट कितना बढ़ा कितना कम हुआ इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत होती है। तो रिसेंटली इकोनॉमिक ग्रोथ को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने बोला है 9.5% होगी,
किसमें 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में। अभी ये 9.5% होगी, ये कौन से बेसिस पे आरबीआई बोल रही है और क्या वो बेसिस आगे आने वाले समय में गलत पड़ सकता है, क्या वो एजम्पशंस आगे आने वाले समय में गलत पड़ सकते हैं, उसके बारे में इस आर्टिकल में बात करी गई है, तो इसको भी कहीं ना कहीं हम लोग खंगालेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एक आर्टिकल है यहाँ पे, बिहेवियरल चेंज कैन रिड्यूस ट्रांसमिशन। देखिए इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मास्क पहनना, ठीक है ना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, इससे कोरोना वायरस आप रोक सकते हो, तो इसके बारे में यहाँ पे बातें कही गई हैं। वैसे तो अच्छे पॉइंट्स हैं, बट कहीं ना कहीं पॉइंट्स डिस्कस किए हैं पहले। और एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करना है, ये तो खैर रिपोर्टर्स और जर्नलिज्म से रिलेटेड आर्टिकल हर मंडे को आता है, मैं इसको स्किप करता हूँ। एक जो मैं और आर्टिकल डिस्कस करूंगा जो कि थोड़ा अलग है, वो है रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्क एज वर्क। कोरोना वायरस के क्राइसिस के दौरान ये जो सेक्स वर्कर्स हैं, ये जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, और खासकर वो सेक्स वर्कर्स जो अपने कंसेंट के साथ इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं, इनके बेसिक राइट्स वायलेट हो रहे हैं और इनके बेसिक राइट्स के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। अब आप बोलोगे ये बड़ी अजीब सी बात है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इस सेंसिटिव टॉपिक पे बहुत सारे अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय हो सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं वो इन सेक्स वर्कर्स के फेवर में बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसी आर्टिकल की बात कर लो, तो इसको लिखा है टी सुमथी जी ने। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है साउथ चेन्नई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो इन्होंने ये बोला है कि जो कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं जो कि प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, सेक्स सर्विसेज प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इनको इनका राइट मिलना चाहिए, इनको इस बात की प्रॉपर परमिशन मिलनी चाहिए, इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। जो कंजर्वेटिव तबका है वो बोलेगा कि भाई ये क्या बात कर रहे हो आप, तो प्रोस्टिट्यूशन को अलाउ करने की बात कर रहे हो। तो ऐसे केस में यहाँ पे टी सुमती जी क्या व्यू पॉइंट दे रही हैं इन सेक्स वर्कर्स को लेके, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ऑब्वियसली बात है, वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ जो बहुत छोटे में, या फिर जिनका आप कह सकते हो कि तस्करी करके, ट्रैफिकिंग करके उनको इस बिजनेस में ढकेल दिया गया, उनको तो बचाने की ज़रूरत है। लेकिन जो कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, चूँकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस ने रेड मारी, बहुत सारे सेक्स वर्कर्स को पकड़ा गया, उनको एनजीओ में भेजा गया, लेकिन वो फिर से वो एनजीओ छोड़ के फिर से उसी काम में चली गई, क्योंकि वो कंसल्टिंग है उसकी तरफ, उनको वही काम करना है, इनको ऐसे लगता है कि वो कमा के अपने घर को सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो अभी ऐसे केसेस में आप क्या करोगे जहाँ पे एक पर्टिकुलर लेडी ही खुद इस काम करने में इन्वॉल्व हो रही है, तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट्स से इन व्यू पॉइंट्स को हम लोग खंगालने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, जॉन बटन दबा सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल से फ़ायदा मिल सकता है तो एज अ टोकन ऑफ हेल्प मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ साथ harshdwivedi.com वेबसाइट पे जा सकते हैं, उस वेबसाइट पे मैं डेली बेसिस पे नए करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स डाल रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कल की बात की जाए, तो कल मैंने यहाँ पे 3 से 4 और आर्टिकल्स अपडेट किए, नहीं 5 आर्टिकल्स कल अपडेट हुए। एक पार्ट 1 स्पेस रिलेटेड न्यूज़, बिटकॉइंस का इस्तेमाल करके कोविड रिलीफ फंड में पैसा डाला जा रहा है, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी हैं, रीसेंट इंटरनेशनल फॉरेस्ट फायर्स कहाँ कहाँ लगी, वॉल्केनिक इरप्शंस इंडिया और दुनिया में कहाँ कहाँ हुए, और 2020 में कौन सी नई स्पेशीज डिस्कवर हुई हैं जो कि यूपीएससी के लिए और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्टिकल्स आप जाके पढ़ सकते हैं, दे आर वेरी मच यूजफुल फॉर एग्जाम्स। मैं आर्टिकल्स को इसी प्रकार से डिवाइस कर रहा हूँ कि ज़्यादातर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, और कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लेन भी अच्छे तरीके से यहाँ पे किया गया, और मैं वीडियोज़ के थ्रू भी इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो वेबसाइट अच्छा लगे तो आप भी रेफर कर सकते हो, दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हो। साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं अपनी क्वेरीज़ के लिए। एक बात मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम पे वही क्वेरी भेजिए जिसके बारे में मैंने पहले बातचीत नहीं की। अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे यूपीएससी प्रिपरेशन टिप्स करके एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, डाउट सॉल्विंग शॉर्ट्स करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ बना रखी हैं, ऐसे टॉपिक्स ले रखे हैं जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बातचीत कर रखी है। तो ऑप्शनल को कैसे अप्रोच करना है, मेंस की आंसर राइटिंग में हम तेज़ नहीं लिख पा रहे हैं, क्या करें, तो ये क्वेरीज रिपीट करके मत पीछे मुझसे। आप रिपीट करके पूछोगे तो मैं बार बार तो उसके ऊपर वीडियो बना के डाल नहीं सकता हूँ। ऑब्वियसली बात है, जो क्वेरी एक बार डिस्कस हो गई है वो दोबारा मैं जल्दी डिस्कस नहीं करूँगा, अनटिल अनलेस उसको मॉडिफाइड फॉर्म में ना पूछी जाए। तो इसीलिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन की वीडियोस पहले देख लीजिए, हो सकता है आपकी क्वेरीज वहाँ पर आंसर कर दी गई हो। अभी आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो नई वीडियो उस टॉपिक पर शायद ना बना पाऊँ मैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मेरे लेक्चर की PDF और लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मेरे वेबसाइट की जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है करंट अफेयर्स के, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो रेड फ्लैग्स फॉर द ट्रेल ऑफ द वायरस, चाइनाज एक्शन इन द वुहान लैब कनेक्शन डू रिक्वायर क्लोजर स्क्रूटनी, इवन इफ द US मे रिक्वायर क्लोजर स्क्रूटनी, इवन इफ द US मे नॉट फाइंड द स्मोकिंग गन। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए शुरुआत कैसे करी जा रही है इस आर्टिकल की। द पब्लिकेशन ऑफ साइंस राइटर एंड एडिटर
Then author Nicholas Wade's well researched article in the Bulletin of Atomic Scientists, The Origin of COVID. Did people or nature open Pandora box at Wuhan? मतलब वुहान की लेबोरेटरी में ये जो आप कह सकते हो कोरोना वायरस लीक हुआ, कभी लेबोरेटरी में रुक हुआ या वेट मार्केट से रीट हुआ इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अलार्म बेल्स बजी हैं किसके बाद, इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बाद, द ओरिजिन ऑफ द कोविड डिड पीपल और नेचर ओपन पंडोरा बॉक्स एट वुहान। लिखा किसने इसको? निकोलस वेड ने लिखा है। छपा कहाँ पे? बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने। तो कुल मिला के हो सकता है कि नोवल कोरोना वायरस के रिस्पेक्ट में जो भी आप कह सकते हो कहा जा रहा है उसको बहुत हद तक दबाया जा रहा हो। क्या सच में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ये लीक हुआ है? इसके बारे में प्रॉपर और फुलर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। चाइना ने एक वर्जन यहाँ पे प्रोपोगेट किया है कि ये जो वायरस है ये इनके वेट मार्केट से निकला। वेट मार्केट मतलब जो सी फूड और एनिमल मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे जानवर काटे जाते हैं बेचे जाते हैं, वहाँ से ये कोरोना वायरस लीक हुआ है। तो बहुत सारे जो सीनियर हेल्थ ऑफिशियल हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने भी यही बोला है कि ये जो कोरोना वायरस है कहीं ना कहीं ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत हद तक नेचुरल है, ये बनाया हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ओपनली इल्ज़ाम लगा रहे हैं चाइना के ऊपर कि उन्होंने ये बायो वेपन बना दिया। बट एट द सेम टाइम यूएस के जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को बोल रहे हैं। इनफैक्ट ये उसके जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं ना, इनको अपनी सरकार से बहुत सारा पैसा मिलता है। ऐसा सुनने में आया है कि यूएस के बहुत सारे हेल्थ ऑफिशियल्स ने, बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये जो पैसा है यूएस वाला इसको उन डॉक्टर्स को प्रोवाइड किया है जो कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में रिसर्च कर रहे थे। मतलब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जो कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च कर रही थी उसका बहुत सारा पैसा ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं यूएस से ही गया है। अब ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा डेंजरस होता नज़र आ रहा है। अगर आप बात करो तो बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसेस हो रहे हैं। अभी के लिए हेल्थ ऑफिशियल्स ये बोल रहे हैं कि जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन है ये नेचुरल है, ये मैनमेड नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी में इतने एडवांसेस किए जा चुके हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग पैथोजेंस हैं उनको जेनेटिकली इंजीनियर करके ज़्यादा लीथल और ज़्यादा मुश्किल बनाया जा सकता है ट्रीटमेंट में। मतलब उनको इतना डेंजरस बनाया जा सकता है कि अगर वो किसी को इन्फेक्ट कर जाए तो आदमी जल्दी से ठीक नहीं होगा। और कोरोना वायरस भी कुछ इस प्रकार का ही निकल के आ रहा है। ये जो नए सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिजम्स और वायरसेस बनाए जा रहे हैं या फिर बनाए जा सकते हैं, उनकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है और एथनिक स्पेसिफिसिटी है। इस एथनिक स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोगों को वो ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, ज़्यादा बीमार कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ऐसे वायरसेस को किसी ने बनाया है, किसी ने डिवाइस किया है, तो उसका एंटीडोट या उसका वैक्सीन भी वही लोग बना पाएंगे जो कि इन वायरसेस को ईजाद कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है जिसने वायरस बनाया है उसी को एंटीडोट पता होगा। अब यहाँ पे डॉक्टर पीटर डेस्कैक ऑफ इको हेल्थ अलायंस, ये इको हेल्थ अलायंस यूएस में काम करता है, इसको पैसा मिला कहाँ से? यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से। आपको पता है ये जो यूएसए की सरकार है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा खासा पैसा ख़त्म करती है। तो यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने पैसा प्रोवाइड किया इको हेल्थ अलायंस को। तो जो डॉक्टर पीटर डेस्कैक थे इको हेल्थ अलायंस के, उन्होंने ये जो थोड़ा पैसा था इसको किसको भेजा? वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजा। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में एक डॉक्टर शी शेंगली हैं, इनको थोड़ी सी रिसर्च सब कॉन्ट्रैक्ट की गई थी। जी हाँ, रिसर्च भी सब कॉन्ट्रैक्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के अंदर बहुत सारे सब स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं। तो किसी एक सब स्पेसिफिकेशन की रिसर्च को सब कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इंडिया की किसी लेबोरेटरी को दिया सकता है, चाइना की सेलिब्रिटी को दिया जा सकता है और उसके लिए पैसे दिए जा सकते हैं। तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जो रिसर्च चल रही थी उसके लिए थोड़े बहुत पैसे यूएस की तरफ से भी आए थे। अब सोचिए, जब कोरोना वायरस नहीं शुरू हुआ था उससे पहले डॉक्टर डेस्कैक ने 2019 में एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ये बोला है कि पिछले 6 साल से एक रिसर्च चल रही है जहाँ पे 100 नए सार्स रिलेटेड कोरोना वायरस के ऊपर शोध करके ये पता चला है कि इनको ह्यूमन सेल्स में इंजेक्ट किया जा सकता है और कुछ कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स तो इतने खतरनाक हैं कि ये माइस और ह्यूमंस को जब इन्फेक्ट कर देंगे तो उसके बाद ह्यूमन मतलब ट्रीट नहीं हो पाएगा, वो फिर से ठीक नहीं हो पाएगा। मतलब कि डॉक्टर डेस्कैक 2019 में इस बात को मान चुके हैं कि ये जो कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च है, कोरोना वायरस के ऊपर जो शोध है, एक प्रकार के बायो वेपन टाइप की बनाने की शोध ये पहले से ही चल रही है। हालांकि अब आप बोलोगे कि यार कोरोना वायरस बनाने के ऊपर शोध क्यों चल रही है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी कोरोना वायरस जैसे वायरसेस के ऊपर शोध चलती है वो इसलिए चलती है
कि इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक्स को किस प्रकार से रोका जाए। आपको पता है कि जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा होता है वो खांसी जुकाम सर्दी इस प्रकार की चीज़ें करता है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आगे किसी को ना हो। मलेरिया का बुखार कुछ इस प्रकार से आता है, तो इस प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए लगातार शोध होती रहती है दुनिया भर में, और वहाँ पे सार्स कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है वो इन्वॉल्व होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सार्स कोरोना वायरस के स्ट्रेन है ना, बहुत अलग अलग है। ये जो आया था वो नोवल कोरोना वायरस था, और अब आपको पता है कि उस नोवल कोरोना वायरस के अंदर से भी बहुत सारे अलग अलग म्यूटेंट निकल रहे हैं। तो 2019 में डॉक्टर डेसगैक इस बात को मान चुके हैं कि भाई कोरोना वायरस के ऊपर शोध चल रही है, और ये शोध विहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भी चल रही थी। अब जब किसी लेबोरेटरी में इतनी सेंसिटिव चीज़ के ऊपर शोध चलती है, तो कहीं ना कहीं उस लेबोरेटरी के सिक्योरिटी पैरामीटर्स को भी देखा जाता है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की जो लैब है वो बायोसेफ्टी 4 लेवल पे है, और कहीं ना कहीं पहले यूएस के इंस्पेक्टर्स ने इस बात को बोला है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूरी तरीके से सेफ नहीं है। वहाँ पर जो शोध हो रही है उससे कहीं ना कहीं वायरस बाहर भी लीक हो सकता है। प्रॉपर तरीके से सेफ्टी पैरामीटर्स और प्रोटोकॉल्स वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी WIV में फॉलो नहीं होते हैं। 2018 में इस पर्टिकुलर फैसिलिटी का इंस्पेक्शन भी हुआ। आप देखोगे बाद में कि कोई रेमेडियल एक्शन यहाँ पे नहीं लिया गया। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में अगर सेफ्टी पैरामीटर्स इग्नोर हो रहे हैं, तो उन सेफ्टी पैरामीटर्स को ठीक करने के लिए कोई एक्शन लिया गया इस बात की भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। फिर ऐसा बोला जा रहा है कि जो BSL-4 लेबोरेटरी है, बायोसेफ्टी लेवल 4 लेबोरेटरी है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की, यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं वो भी उतने अच्छे नहीं है, वो भी इतने एक्सपर्ट नहीं है, इतने ट्रेंड नहीं है। और एट द सेम टाइम एक इसराइली इंटेलिजेंस ऑफिशियल है, ये इसराइली इंटेलिजेंस ऑफिशियल विजिटिंग फेलो है फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, इनका नाम है डेनी शोहम। ये बैर इलान यूनिवर्सिटी इसराइल के साथ काम करते हैं। ये पहले इस बात को बोल चुके हैं कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का कनेक्शन है चाइना के बायोलॉजिकल वेपन्स प्रोग्राम से। मतलब चाइना जो अपना बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम चला रहा है, दैट इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में हो सकता है चाइना एक बायो वेपन बनाने की कोशिश कर रहा हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये उठती, सवाल ये उठता है कि अगर चाइना बायो वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था तो पैसे USA से कौन से बेसिस पे गए? वाइवर अमेरिकन फंड्स में अवेलेबल, चूंकि आपको पता है कि इको हेल्थ अलायंस के डॉक्टर डेसगैक ने ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में रिसर्च को सब कॉन्ट्रैक्ट किया है। अभी अमेरिका के साइंटिस्ट ने पैसा प्रोवाइड किया चाइना की लेबोरेटरी को रिसर्च करने के लिए। ये सबको पता है कि चाइना में जो रिसर्च है वो डेंजरस है, लीक हो सकती है, बायोसेफ्टी लेवल अच्छा नहीं है, लेकिन सस्ती है। तो अभी सस्ती रिसर्च कहीं से हो जा रही है तो उसमें क्या बुरा है? उसके बाद US के पैसे का इस्तेमाल किस चीज़ में हो रहा है वहाँ पे, इसके बारे में भी जानकारी पता कर पाना मुश्किल है, क्योंकि चाइना में चीज़ें बहुत ज़्यादा सीक्रेट तरीके से काम करती हैं, ये आपको पता ही है। फिर आप देखोगे कि रिसेंटली एक ईमेल रिलीज़ हुआ है। उस ईमेल में डॉक्टर डेसगैक ने डायरेक्टर ऑफ द US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीजेज डॉक्टर एंथोनी एस फॉकी, डॉक्टर एंथोनी एस फॉकी काफ़ी न्यूज़ में थे कुछ दिन पहले, मैंने इनका नाम कई बार एडिटोरियल में लिया है। डॉक्टर एंथोनी एस फॉकी ने पब्लिकली इस बात का स्टेटमेंट दिया कि भाई ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है जिसके बेसिस पे ये बोला जाए कि ये लैब रिलीज है और नेचुरल ओरिजिन नहीं है। मतलब डॉक्टर एंथोनी एस फॉस्की ने पूरी पब्लिक के सामने आके ये बोला कि कोरोना वायरस का जो ओरिजिन है ना, दिस इज़ अ नेचुरल ओरिजिन, ये लैब से लीक नहीं हुआ है। जब डॉक्टर एंथोनी एस फॉकी ने ये पब्लिकली अनाउंस किया, उसके बाद डॉक्टर डेसगैक ने एक मेल भेजा डॉक्टर एंथोनी एस फॉकी को, और ये मेल पब्लिकली यहाँ पर रिलीज हो चुका है। तो मतलब कि डॉक्टर एंथोनी एस फॉकी अगर पब्लिकली स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई ये जो कोरोना वायरस है दिस हैज़ अ नेचुरल ओरिजिन, ये लैब का नहीं है, तो इस बात पे डॉक्टर डेसगैक इनको हाँ क्यों बोल रहे हैं? तो क्या यहाँ पे मतलब थैंक्स क्यों बोल रहे हैं? क्या डॉक्टर डेसगैक भी पीछे से कुछ इन्वॉल्व हैं? कुछ इस प्रकार का सस्पिशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। मतलब कि US के ये जो हाई लेवल के पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, शायद हो सकता है कि इनको ये बात पता हो कि इस प्रकार का जो वायरस है वो हो सकता है लैब से निकला हो, लेकिन अगर लैब से निकलने वाली थ्योरी सच हो जाती है तो ये मेडिकल कम्युनिटी खतरे में आ जाए, ये रिसर्च करने वाले लोग ही खतरे में आ जाए, तो हो सकता है ये भी इस बात को दबाना चाहते हो, ये भी एक वजह हो सकती है यहाँ पे। फिर भाई आप देखोगे कि एक बार इस प्रकार का कोई कोरोना वायरस का स्ट्रेन लीक हो जाता है, चाहे वो वेट मार्केट से लीक हुआ हो, चाहे वो वुहान के लैब से लीक हुआ हो, अभी आप देखोगे कि फिर आप सस्पिशन कर लेते हो, इसके बाद फैक्ट्स को इस्टेब्लिश कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक्चुअली में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से निकला या नहीं निकला, इस बात की प्रॉपर एनालिसिस
और इस बात की प्रॉपर रिसर्च केवल वो कंट्री कर सकती है जहाँ पे वो लैब है। तो उस इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ से वो लीक हुआ है, और उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन होनी है। लेकिन चाइना ने बिल्कुल उल्टा किया। चाइना ने शुरू से ही कोरोना वायरस के आउटब्रेक को दबाने की कोशिश की है। चाइना ने शुरू से ही इन्वेस्टिगेशन को दबाया है। चाइना में 34 साल का डॉक्टर था वुहान में, जिसका नाम था ली वेन लियांग। ली वेन लियांग की जब तबीयत खराब थी तो वुहान के हॉस्पिटल बेड पे वो एडमिट था, और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सार्स टाइप का वायरस यहाँ पे लीक हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी चाइनीज सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने उसको परेशान किया, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि फॉल्स क्लेम फैला रहा है, र्यूमर फैला रहा है, सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है। और बाद में आप देखोगे कि मिस्टर ली वेन लियांग की मृत्यु हो जाती है कोरोना वायरस इन्फेक्शन से। इनकी मृत्यु के बाद तो इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया, इनको इनके चार्जेस से एग्जोनरेट कर दिया गया, इनके ऊपर से चार्जेस हटा लिए गए। सुनने में तो ये भी आया था कि पुलिस ने इनकी फैमिली से अपॉलोजी मांगी है, लेकिन एट दैट पॉइंट जब मिस्टर ली वेन लियांग इस प्रकार का वायरस फैल रहा है इस बात की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे थे दुनिया को, तब किसी ने भी इनकी बात नहीं सुनी, उल्टा इनको वहाँ पर दबाया गया। तो एक चीज़ तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि यहाँ पे चाइना ओपनली चीज़ों को सामने सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से लेके नहीं आ रहा था, चाइना यहाँ पे चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के हेड ऑफ कोरोना वायरस रिसर्च है, शी जेंगली वही है जिसको डॉक्टर डेस्कैक ऑफ इको हेल्थ अलायंस ने पैसे भेजे थे। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि भाई इस लैब में जो डाटाबेस है कोरोना वायरस का वो ऑफलाइन हो गया था जब ही कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था। तो डाटाबेस ऑफलाइन हो गया था तो हो सकता है कि कुछ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो गई हो, उसके चलते ये कोरोना वायरस लीक हो गया। अभी क्या है ये किसी के बारे में पता नहीं है। पूरी दुनिया भर की कंट्रीज अकाउंटेबल ठहराना चाहती हैं चाइना को, चाइना को पनिश करना चाहती हैं, लेकिन ऑब्वियस ही बात है चाइना के अगेंस्ट जिसने भी बात की है, चाइना ने उल्टा उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं, उसको धमकी दी है, इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पे दबाने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ में चाइना की मदद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 30 मार्च को और फॉर एग्जांपल फिर 6 अप्रैल को ये बोला कि भाई SARS-CoV-2 का कोरोना का ये जो नोवल कोरोना वायरस है SARS-CoV-2 इसका वुहान की लैब से लीक होना एक्सट्रीमली अनलाइकली है। अब सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रोल की बात करो तो सबसे पहला शक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे तब जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की, वो इंक्वायरी कमेटी जो कि वुहान में जाके इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या कोरोना वायरस लैब से निकला है, उस इंक्वायरी कमेटी में डॉक्टर डेस्कैक थे। डॉक्टर डेस्कैक इको हेल्थ अलायंस के वही मेंबर हैं जिन्होंने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के कोरोना वायरस के रिसर्च हेड को पैसे प्रोवाइड किए थे। अभी इसी पर्टिकुलर पर्सन को आप बोल रहे हो कि तुम जाके इंक्वायरी करो, ये तो वही बात हो गई ना कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है तुमने उसी को इन्वेस्टिगेशन करने की ताकत दे दी यहाँ पे। तो इस बेसिस पे आप देखोगे कि जो ग्रुप ऑफ वायरोलॉजिस्ट थे जो कि इन्वेस्टिगेशन करने गए थे उसमें डॉक्टर डेस्कैक भी थे, और इन्होंने कहीं ना कहीं फरवरी 2021 में ये बोल दिया कि ये जो कॉन्स्पिरेसी, ये जो थ्योरी चल रही है कि ये जो कोरोना वायरस ये लैब से लीक हुआ ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसका एक नेचुरल जूनोटिक ऑरिजिन है। मतलब कि साफ साफ ये जो मेडिकल कम्युनिटी है वो इस बात को बोलने की कोशिश कर रही है कि भाई ये जो कोरोना वायरस का लीक है दिस इज़ नो इंटेंशनल लीक, ये नेचुरली लीक हुआ है, ठीक है ना, ये बात यहाँ पे बोली, मतलब ये लैब से निकला ही नहीं है, इसका जो भी ओरिजिन है वो नेचुरल है। तो कुल मिला के अब यहाँ पे जो बाइडन जी ने US इंटेलिजेंस कम्युनिटी को बोला है कि और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, मुझे 90 दिन में रिपोर्ट करो। अब देखिए यहाँ पे चाइना के ऊपर पूरी तरीके से इल्ज़ाम को साबित कर पाना अपने आप में मुश्किल है, एक्चुअली इम्पॉसिबल सा है, आप पता नहीं कर पाओगे इस प्रकार के स्ट्रेन में, और ख़ासकर तब जब WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशन और बड़े बड़े हेल्थ कम्युनिटी के लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई नेचुरल ओरिजिन है। तो अभी ऐसे केसेस में अगर इसके थोड़ी सी भी चांसेस हैं कि ये बायोलॉजिकल स्ट्रेन है तो हमें क्या करना चाहिए। एक कन्वेंशन है 1972 का, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन, जिसको पहले कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोडक्शन एंड स्टॉक पॉइलिंग ऑफ बैक्टेरियोलॉजिकल बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स ऑन द डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता था। इस पर्टिकुलर सिस्टम में कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसके चलते अगर कोई कंट्री कुछ गलत काम करती है किसी भी बायोलॉजिकल वेपन के रिस्पेक्ट में तो उसके उससे कॉम्प्लियंस एग्जैक्ट किया जा सके, उसके ऊपर कुछ
प्रॉपर पैरामीटर प्रोविजंस को इम्पोज किया जा सके। अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है किसी लॉ का तो उसको पेनलाइज किया जा सके। इस प्रकार का यहाँ पे कोई भी मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है अभी के बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन में। तो इन शॉर्ट कमिंग्स को हटाने की ज़रूरत है कि जो 5 ईयरली रिव्यू कॉन्फ्रेंसेज होती हैं बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की, इन रिव्यू कॉन्फ्रेंसेज में ये ज़रूरी है कि भाई अगर कोई भी कन्वेंशन को वायलेट करता है, कहीं ना कहीं उसको एब्रोगेट करता है, तो उसके ऊपर प्रॉपर पेनल्टीज़ लगानी चाहिए। इस प्रकार का कोई मतलब मैकेनिज्म यहाँ पे इंक्लूड करने की बात कही जा रही है। फिर भाई अभी कोरोना वायरस एक अकेला वायरस नहीं है। सुनने में आता है कि पहले भी स्मॉल पॉक्स और ऐसे बहुत से वायरसेस हैं जो कि सिक्योर लेबोरेटरी से लीक हो गए हैं। अब अगर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ये कोरोना वायरस निकला है तो दो प्रकार से निकल सकता है। एक तो इसको इंटेंशनली इंट्रोड्यूस किया हो या फिर ये गलती से लीक हो गया हो। अभी दोनों ही केसेस में हम चीज़ों को किस प्रकार से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी स्मॉल पॉक्स और कुछ और वायरसेस हैं, अगर ये दुनिया में फैलने लगे तो ये भी लोगों को काफ़ी हद तक परेशान कर सकते हैं। अभी के लिए बात की जाए तो स्मॉल पॉक्स के जो स्पोर्स हैं जो स्मॉल पॉक्स का वायरस फैला सकते हैं, ये स्पोर्स ऐसा बताया जाता है कि दो इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल हैं। एक तो यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अटलांटा में, दूसरा रशियन स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी कोल्टसोवो में। अब बात तो ये है कि यहाँ पे जो लेबोरेटरीज हैं काफ़ी सेफ सिक्योर मानी जाती हैं, फिर भी ऐसा बोला जा रहा है कि इन वायरसेस के ऊपर जो रिसर्च है दुनिया भर की बहुत सी लेबोरेटरीज में चल रही है। स्मॉल पॉक्स एक डेडली वायरस है। कल की डेट में स्मॉल पॉक्स जैसा कोई वायरस एक एग्रेवेटेड फॉर्म में लोगों के अंदर इंटेंशनली या अन इंटेंशनली रिलीज हो जाता है तो वो कोरोना वायरस से ज़्यादा तबाही मचा सकता है। तो कुल मिला के अभी कोरोना वायरस फैल गया तो फैल गया, उसमें जितनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो आप करो, बट एट द सेम टाइम इस बात को भी इंश्योर करो कि कोई और वायरस आगे आने वाले समय में ना फैल जाए। और इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, द 1972 बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन को स्ट्रेंगन करिए, कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबल मानिए अगर वहाँ से वायरस फैलता है तो। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। थोड़ा आर्टिकल लंबा हो गया बट इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगले आर्टिकल पर चलते हैं, मीडिया एंड सेडिशन, द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन केसेस ऑफ सेडिशन गिव होप द लॉ विल बी रीएग्जामिन्ड। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे भाई बहुत लंबे समय से जो लिबरल प्रकार के लोग हैं उन्होंने ये माना है कि अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हो, ठीक है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हो किसी पॉलिसी को लेके, या इस गवर्नमेंट ने अच्छे नियम कानून नहीं बनाए, तो इन सब बेसिस पे अगर आप किसी भी सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस सरकार के अगेंस्ट डिसअफेक्शन ला रहे हो या डिसलॉयल्टी ला रहे हो। बेसिकली डिसअफेक्शन और डिसलॉयल्टी वाले जो कंसेप्ट हैं ये आर्कोइक है और कॉलोनियल है। ठीक है, सरकार की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ अच्छी हो जाए, ये आप कह सकते हो कि आप पब्लिक हित में काम कर रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हो। हाँ, आप तब सरकार को क्रिटिसाइज़ करके कम्युनल दंगे छिड़वाने लगो, वायलेंस छिड़वा दो, तो ऐसे केसेस में आपको सेडिशन के लिए चार्ज किया जा सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस सरकार को क्रिटिसाइज़ करो उसकी पॉलिसी के लेके तो आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाएगा। इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक FIR को अभी क्वैश किया, एक क्रिमिनल केस को भी क्वैश किया। हिमाचल प्रदेश में एक केस विनोद दुआ जो कि एक जर्नलिस्ट हैं उनके अगेंस्ट लाया गया था, उन्होंने यूट्यूब में वीडियो बना दी थी जहाँ पे सरकार को क्रिटिसाइज़ कर दिया था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए भाई, भले ही सेक्शन 124A ऑफ द APC कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा के अंदर हम मान सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत नैरो डेफिनेशन है। मतलब कुछ पर्टिकुलर क्राइम्स को ही आप ये बोल सकते हो कि दे कैन बी चार्ज अंडर सेक्शन 124A ऑफ द IPC। सब कुछ को 124A IPC के अंदर नहीं माना जा सकता है। यहाँ पे केदारनाथ सिंह जजमेंट को भी कोट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर जर्नलिस्ट के पास एक ऐसी प्रोटेक्शन है जिसके बेसिस पे अगर वो मान लो गवर्नमेंट के एक्शंस को क्रिटिसाइज कर भी रहा है तो भी उसको पीनल नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर वो गवर्नमेंट के एक्शंस को इस प्रकार से क्रिटिसाइज कर रहा है जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो सकता है वायलेंस के थ्रू, ऐसे केसेस में उस जर्नलिस्ट के खिलाफ सेडिशन लगा सकते हैं। बट सिर्फ आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्रिटिसाइज कर रहे हो पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक के लिए कुछ अच्छे अल्टरनेटिव्स को बताते हुए, तो दैट विल नॉट बी पेनलाइज्ड अंडर सेडिशन। ये जो लॉ ऑफ सेडिशन है ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है। इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश किया था, उसको मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन भी करूँगा आपको। तो ये जो लॉ ऑफ सेडिशन है बेसिकली इसको ब्रिटिश एरा के जजेस कॉमर पैथरम और आर्थर स्ट्रैची लेके आए थे। वहाँ पर उन्होंने क्या बोला था कि फीलिंग ऑफ डिसअफेक्शन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट कॉनेट एब्सेंस ऑफ अफेक्शन हेट्रेज एनमिटी डिसलाइक हॉस्टिलिटी एंड एवरी फॉर्म ऑफ इलविल टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो ये जो जजेस थे
जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों ने बोला कि अगर भाई कोई पर्टिकुलर पर्सन डिफेक्शन डिसअफेक्शन दिखाता है सरकार की तरफ, मतलब वो सरकार की तरफ हेटेड दिखा रहा है, एनमिटी दिखा रहा है, डिसलाइक दिखा रहा है, इल विल दिखा रहा है, और इसीलिए वो पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है, इसलिए उसको रोका जा सकता है। अब ये जो जुडिशियल इटरेशन था ये उस समय की कॉलोनियल पावर का था, लेकिन आज की डेट में जुडिशियल इटरेशन या फिर जुडिशियल इन्फरेंस बदल चुका है। मतलब आज की डेट में भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सेक्शन 124A ऑफ द पीनल कोड ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम सेक्शन 124A ऑफ द पीनल कोड कैसे इम्प्लीमेंट होगा इस बात के मायने बदल चुके हैं। अब अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हो, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो सेडिशन हो, जब तक वायलेंस नहीं हो रहा है, जब तक पब्लिक डिसऑर्डर नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है, इनएक्टेड टू पुट डाउन जर्नलिस्टिक क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एन इंक्रीजिंगली वोकल प्रेस, सेक्शन 124A, सेक्शन 124A एसेंशियली अ प्रोविजन व्हिच सीक्स टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशनल वैनिटी फ्रॉम डिसअप्रोवेशन यूजिंग द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एज अ फेक ली। बस यही बोला जा रहा है कि अंग्रेजों के समय पे 124A इसलिए लाया गया था क्योंकि उस समय पे बहुत पॉपुलर मीडिया उठ रही थी, वो पॉपुलर मीडिया देश की इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रही थी, और ऑब्वियस ही बात है देश की इंडिपेंडेंस की डिमांड इन अंग्रेजी शासकों को पसंद नहीं आएगी, तो इन अंग्रेजी शासकों ने इस डिमांड को दबाने के लिए सेक्शन 124A ले आए और कहीं ना कहीं लोगों की इंडिपेंडेंस की डिमांड को दबाना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो चीज़ नहीं चल पाएगी। कभी कभी सेक्शन 124A को बहुत वेग कहा गया, बहुत ओवर ब्रॉड कहा गया, इसलिए कहा गया है क्योंकि भाई जो सरकार है, जैसे ही सरकार के अगेंस्ट कुछ भी होता है, सरकार इसे 124A को इन्वोक कर देती है। मतलब कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कोई स्टेटमेंट भी दे दिया तो भी उसको फीलिंग ऑफ एनमिटी दिखा के उसको इन्वोक कर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश ने, ये जो आपके जगनमोहन रेड्डी साहब की सरकार है, इसने 2 TV चैनल्स के ऊपर FIR फाइल कर दी, बोला कि तुम सेडिशन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो कोरोना वायरस के पैंडेमिक की कवरेज कर रहे थे। अभी वो कोरोना वायरस के पैंडेमिक के कवरेज में दिखाएंगे कि लोग मर रहे हैं, तो अगर लोग मर रहे होंगे तो दिखाएंगे ही ना। अब इसमें सरकार की बुराई हो रही तो सरकार को अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, सरकार उनको दबा रही है। किसके थ्रू दबा रही है? सेडिशन के थ्रू दबा रही है, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बोला गया, द एक्सप्लेनेशन दैट डिसअप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस और मेजर्स टू व्यू टू ऑल्टरिंग देम बाय लॉफुल मींस विल नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस इज नॉट इनफ टू रिस्ट्रेन द अथॉरिटीज फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ पे एक और पॉइंट बता रहा है ऑथर यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई देखिए, अगर कल की डेट में सुप्रीम कोर्ट ये बोल भी देती है कि भाई अगर आप पब्लिक डिसऑर्डर नहीं कर रहे हो, अगर आप वायलेंस नहीं कर रहे हो, तो आपको सेडिशन के अंदर चार्ज नहीं किया जाएगा, तो ऐसे केसेस में भले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है, लेकिन सरकारें रुकने वाली नहीं है। सरकारें कल भी सेडिशन को लेकर लोगों को उठा के जेल में बंद करेंगी। यहाँ पर ज़रूरत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट एक पॉलिटिकल एंगल खंगालती। सुप्रीम कोर्ट ये बोलती कि पॉलिटिक्स के चलते यहाँ पर इन जर्नलिस्ट को दबाया जाता है, ठीक है, अपोजिशन को दबाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ ये बोल देना कि भाई अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो आपके ऊपर सेडिशन नहीं लगाया जाएगा, ये इनफ नहीं है। चूँकि आप ये बोल के केस बाई केस कुछ लोगों को रिलीफ दे दोगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग जेल में चले जाएंगे, चूँकि आगे आने वाले समय में सरकारें ब्लैटेंट तरीके से सेडिशन का इस्तेमाल करेंगी। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि हम सेडिशन के लॉ को री एग्जामिन करेंगे, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ज़रूरत क्या थी? ऑथर का बोलना था कि ज़रूरत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्लियर कट गाइडलाइंस लेके आए, और उन गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि अगर पॉलिटिकल मोटिव के चलते सेडिशन के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं किसी जर्नलिस्ट के ऊपर या अपोजिशन के ऊपर, तो वो नहीं लगा जा सकते, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे इंटरवीन करेगा। पॉलिटिकल एंगल वाली बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि ये पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए सेडिशन के चार्जेस लोगों के ऊपर लगाते हैं। अगर ये एंगल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खंगालती तो सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता। अभी विनोद दुआ को तो मान लो सुप्रीम कोर्ट ने छुड़वा लिया, लेकिन कल की डेट में कोई दूसरा जर्नलिस्ट सरकार के ऊपर आवाज़ उठाता तो सरकार फिर पकड़ के उसको जेल में बंद कर देगी। तो क्या केस बाई केसेस में सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होगा? अरे सुप्रीम कोर्ट में केस तो जाने कितने दिन चलता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये फ्री स्पीच और मीडिया फ्रीडम के लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सेडिशन लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कब बहस करेगा, कब नियम कानून सुनाएगा, वो पता नहीं है। तब तक क्या ये सरकारें सेडिशन लॉ को आंख बंद करके इस्तेमाल करती रहेंगी, अपने पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करती रहेंगी? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सेडिशन लॉ को रोकने की जरूरत थी इमीडिएट बेसिस पे, और वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे नहीं किया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे ऑथर बहुत दबे हुए शब्दों में क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है। आई होप मैं आपको ये आर्टिकल समझा पाया हूँ। अगली बात करते हैं, डिमिनिशिंग ऑप्शंस। ये एक्चुअली जो ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आया है, और इस
मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में बोला गया है कि कोविड 19 के पैंडेमिक के चलते आरबीआई के पास अब बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बचे हैं इकोनॉमी को सुधारने के। तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो स्टैंस रखा है उसको एकोमोडेटिव ही रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाना है। अभी इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने वाला जो स्टांस है ये मई 2020 से चलता आ रहा है। मई 2020 में 40 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स को कट किया गया था। देखिए, एक बेसिस पॉइंट होता है 0.01, 100 बेसिस पॉइंट होता है 1%। तो अगर कोई चीज़ 6% से 5% पे आ रही, मतलब वो 100 बेसिस पॉइंट कम हो रही है। तो मई 2020 में 40 बेसिस पॉइंट कम किया गया था इंटरेस्ट रेट। आप देखो, जब से पैंडमिक आया है तब से जो रेपो रेट है उसको 115 बेसिस पॉइंट कम किया जा सकता है, कम किया जा चुका है ऑलरेडी, अभी और कम नहीं कर सकते। तो जो रेपो रेट अभी के लिए एग्जिस्टेंट है उसी पे ही रख रखा है हमारे इंटरेस्ट रेट को आरबीआई ने, और उसको एकोमोडेटिव स्टांस बोल रहे हैं। एकोमोडेटिव वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो टेक्निकली रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब रेपो रेट बढ़ेगा तो आरबीआई जिस रेट पे पैसा शेड्यूल कमर्शियल बैंक को देगी वो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। इंटरेस्ट अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक पे ज़्यादा पड़ेगा तो वो लोगों पे ज़्यादा लगाएंगे, लोगों पे इंटरेस्ट ज़्यादा जाएगा तो लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा। बट पूरा मैटर ही यहाँ पे ये है कि इस कोरोना के पैंडेमिक के समय पे लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे आरबीआई फंस गया है, एक लिमिट से ज़्यादा रेपो रेट को नीचे भी नहीं गिरा सकता और वो बढ़ा भी नहीं सकता। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रेपो रेट नीचे गिराओ, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाओ, इन्फ्लेशन आ रहा है आने दो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई, रेपो रेट बढ़ाओ, लोगों के हाथ में पैसा कम करो, ज़्यादा महंगाई आ गई तो इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फंसा गया है आरबीआई। ऊपर से सप्लाई डिमांड दोनों हिली हुई हैं। पिछले साल पहले क्वार्टर में ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्शन था वो 24.4% का था। पहला क्वार्टर क्या था 2020-21 का, 2020-21 का वो था 1 अप्रैल 2020 से आप कह सकते हो 31 जून 2020, मतलब अप्रैल मई जून का जो महीना है ये भाई था पहला क्वार्टर आपका। सॉरी, मैंने 31 जून बोल दिया, 30 जून, जून में 30 ही का महीना होता है, ठीक है। पूरी जो जीडीपी श्रिंक हुई है पिछले साल वो 7.3% से श्रिंक हुई है। बाद में लगा जब फर्स्ट वेव खत्म हुई सबको लगा कि इकोनॉमी थोड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन जो सेकेंड वेव आई है इसने फिर से पूरी की पूरी हालात बिगाड़ के रख दिए। आरबीआई का जो मई का राउंड हुआ है, मई मतलब मई 2021 का जो राउंड हुआ है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे का, पता चला है कि जो करंट सिचुएशन है ना कंज्यूमर की कॉन्फिडेंस की, वो बहुत नीचे आ गई है। 75% ऑफ द हाउस होल्ड्स परसीविंग द इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस एज हैविंग वर्सेंड फर्दर। 75% हाउस होल्ड को लग रहा है कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस के दौरान पहले से भी ज़्यादा खराब हो गए इकोनॉमिक पैरामीटर्स और एम्प्लॉयमेंट पैरामीटर्स। ओवरऑल पैसिमिज्म और डिप्रेशन का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है। ऊपर से इतनी कोरोना की मौतें, पैसे लोगों के हाथ में है नहीं, तो हालात काफ़ी ख़राब हैं। दीज ऑल थिंग्स आर नॉट अ गुड साइन फॉर इकोनॉमी। अभी ऐसे केसेस में लो कॉस्ट क्रेडिट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सरकार कहीं ना कहीं लो कॉस्ट क्रेडिट लेके भी आ रही है, लेकिन इस लो कॉस्ट क्रेडिट के चलते इन्फ्लेशन हो रहा है। प्लस हमको एक बात ये भी पता है कि दुनिया भर में चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। अब सरकार इसीलिए यहाँ पे फंस गई कि लो कॉस्ट क्रेडिट के लिए क्या रेपो रेट के 4% से और नीचे गिराया जाए। अगर और नीचे गिराया जाएगा तो लोगों के हाथ में पैसा आसानी से जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई ना बढ़ने देना ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे आरबीआई का। आप देखोगे इस पर्टिकुलर 2021-22 वाले फाइनेंशियल ईयर में पहले क्वार्टर में आरबीआई ने ये एक्सपेक्ट किया था, तो क्वार्टर वन में ये बोला गया था कि भाई ग्रोथ जो होगी पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा वो होगी 26.2% की। लेकिन अब यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस एक्सपेक्टेंसी को 7.70 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है और अब बोला 18.5% होगी। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको याद हो तो पिछले साल 25 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, तो पिछले साल अप्रैल मई जून में कोई धंधा हुआ ही नहीं, इकोनॉमी बिल्कुल ठप पड़ी थी। तो ऐसा लगा था कि इस साल यानी 2021 का जो अप्रैल मई जून है इसमें अच्छा खासा धंधा होगा, अच्छा बिजनेस होगा। इसीलिए यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक्सपेक्ट किया कि पिछले क्वार्टर के मतलब पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से इस साल का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 26.2% की ग्रोथ होगी। लेकिन आपको पता है कि इस बार भी अप्रैल मई जून ये सेकेंड वेव ऑफ कोरोना के पैंडेमिक में दबा हुआ है, इसीलिए आरबीआई ने अब बोला है कि ये ग्रोथ 26.2% ना होके 18.5% ही होगी। 7.7 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ यहाँ पे कम हो गई। ओवरऑल पूरे साल की जो ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी आरबीआई ने 10.5% की, उसको कम करके कितना बोल दिया 9.5%।
अब वैसे तो 9.5% कोई बुरी ग्रोथ नहीं है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पे ये बोलना है कि हम लोग 9.5% की भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे 2021-22 में, क्योंकि RBI ये बोल रहा है कि रूरल डिमांड अच्छी होगी, रूरल डिमांड बढ़ती रहेगी, चूँकि इस साल नॉर्मल मानसून आने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का जो इम्पैक्ट है, अगर वो रूरल इलाकों में बंद नहीं हुआ और रूरल इलाकों में और लोग बीमार पड़ते चले गए, तो आगे आने वाले समय में ना ही ट्रैक्टर बिकेंगे, ना ही टू व्हीलर बिकेंगे, या अप्रैल में भी नहीं बिके, आगे भी हो सकता है ना बिके। ऊपर से कोरोना ज़्यादा बढ़ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह भी बहुत बढ़ जाएगा, तो उसके चलते जो 9.5% का प्रेडिक्शन है ना, ये और नीचे जा सकता है, ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है। RBI ये बोल रहा है कि भाई एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है कि एक्सेलरेटेड पेस ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से होगा तो लोगों के अंदर वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं कोरोना के इन्फेक्शन नहीं बढ़ेंगे, और कोरोना के इन्फेक्शन नहीं बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन वैक्सीनेशन के ऊपर तो RBI का कोई कंट्रोल है ही नहीं, और वैक्सीनेशन के हालात क्या चल रहे हैं आपको पता ही, उसमें एक और फैक्टर आ जाता है कि B.1.617.2 वाला जो म्यूटेंट है उसके अगेंस्ट वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे प्ले पे हैं, और इन फैक्टर्स के ऊपर RBI का कोई भी कंट्रोल नहीं है। फिर कुछ यहाँ पे और मेजर्स भी डिप्लॉय किए हैं गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल MSMEs को पैसा काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल करवाया गया है, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी पैसा कम इंटरेस्ट रेट पे दिया गया है। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या फिर RBI और पैसा लिक्विडिटी मार्केट में इंड्यूस करे, लेकिन जो सबसे मेन काम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वो है महंगाई को रोकना। इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थोड़ी मजबूर होती नज़र आ रही है। रीज़न बीइंग इंटरनेशनल कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। कभी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो अगर डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल डीजल के ऊपर कम टैक्स लगाया जाता तो कहीं ना कहीं हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाते, लेकिन सरकारों ने पेट्रोल डीजल के ऊपर बहुत टैक्स लगा रखा है, तो ओवरऑल जो रिकवरी है वो यहाँ पे हर्ट है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और इन्फ्लेशन ज़्यादा डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से भी है, कोरोना की वजह से भी है, और इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से भी है। क्योंकि आप देखोगे कि US वगैरह और यूरोप की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी खुल रही है, वहाँ पे कोरोना की लड़ाई उन्होंने थोड़ी बहुत जीत ली है, तो उसके चलते वहाँ पे डिमांड इंप्रूव हो रही है, लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें महंगी हो रही हैं। अभी चीज़ें महंगी हो रही हैं तो वो इंडिया के लिए महंगी हो रही है, कोई ये थोड़ी ना देखेगा कि इंडिया में कोरोना फैल रहा है तो इनको सस्ती दो, यहाँ पे भी चीज़ें महंगी मिलेंगी और इन्फ्लेशन और एग्रवेट हो जाएगा, और यही यहाँ पे हो रहा है। तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इन्फ्लेशन को भले ही कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स प्ले पे हैं जो कि कहीं ना कहीं RBI के पहुँच के बहुत बाहर है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स भी, जैसे कि वैक्सीनेशन अच्छा हुआ, इम्यूनिटी आ गई, तो कहीं ना कहीं RBI का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में अगर चीज़ों के दाम कम हो जाते हैं तो RBI का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर भारत सरकार पेट्रोल डीजल पे कम टैक्स लगाती है तो RBI का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सब कुछ RBI पे डिपेंडेंट नहीं है, बाकी प्लेयर्स को भी यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, नहीं तो RBI सिंगल हैंडेडली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। लिक्विडिटी को मार्केट में कम ज़्यादा कर सकता है, वही करेगा आगे। फिर बात करेंगे रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्क एज वर्क, एडल्ट हु अर्न बाय प्रोवाइडिंग सेक्सुअल सर्विसेज शुड बी ग्रांटेड बेसिक लेबर राइट्स। ये सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़े खुले दिमाग से इसके बारे में सुनिएगा। पैंडेमिक ने मिलियंस ऑफ पीपल्स की हालत ख़राब की है, कम्युनिटीज़ में उनकी हालत ख़राब है। एक बहुत हार्ड हिट कम्युनिटी है, वो है सेक्स वर्कर्स की कम्युनिटी। ये जो सेक्स वर्क है, जो प्रोस्टिट्यूशन का काम है, इसको लेजिटिमेट वर्क नहीं कहा जाता, दिस इज़ बेसिकली इलीगल वर्क। ये इलीगल वर्क है, ये सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इलीगल वर्क थ्राइव कर रहा है। आप देखोगे कि जितने भी गवर्नमेंटल रिलीफ प्रोग्राम्स है इसका बेनिफिट सेक्स वर्कर्स के पास नहीं जाता है, गाँव के गरीब आदमी के पास, इनफॉर्मल वर्कर के पास, सबके पास सरकारी बेनिफिट जा रहे हैं, बट क्या कभी सुना है कि सेक्स वर्कर के लिए कोई स्कीम है? क्योंकि सेक्स वर्कर्स का रिहैबिलिटेशन की बात तो करती है सरकार, बट कहीं ना कहीं सेक्स वर्कर्स को सपोर्ट देने की कोई बात नहीं करती है। हमारे यहाँ पे प्रोस्टिट्यूटेड बैंड है, चलिए अच्छी बात है बैंड है, लेकिन इस बैंड को आप प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट तो करो। आप देख रहे हो कि चारों तरफ प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, सबको पता है, पुलिस वालों को भी पता है, वो घूस खा खा के चीज़ें छोड़ देते हैं, वो भी क्या करें? अगर कोई रोकने का कोशिश भी करे, कोई पुलिस ऑफिसर आके उस प्रोस्टिट्यूशन को रोकने की कोशिश भी करे, तो उस पॉलिटिशियन के, उस पुलिस वाले के सामने एक एथिकल एलिमेंट आ जाता है, उसको बोला जाता है कि भाई यहाँ पे इतनी सेक्स वर्कर्स हैं हज़ारों की तादाद में, अगर आप ये काम बंद कर दोगे तो उनके घरों में पैसे जाना बंद हो जाएगा, तो वो भी शांत बैठ जाते हैं। ग्राउंड लेवल में चीज़ें करनी बहुत मुश्किल हैं। मान लो आप IPS बन के, कलेक्टर बन के किसी इलाके में जाते हो और वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चल रहा है, अब आप उसको रोकने के लिए ऑर्डर इशू कर देते हो,
लेकिन फिर आपको बताया जाएगा कि भाई यहाँ पे 10,000 सेक्स वर्कर्स हैं और इन 10,000 सेक्स वर्कर्स के 50,000 फैमिली है जिनको ये लोग पैसा भेजते हैं। तो अगर आप इस काम को बंद करते हो तो इन 50,000 लोगों का घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। तो क्या आप उस काम को उतने मन से कर पाओगे? ऑब्वियसली बात आप नहीं कर पाओगे। ग्राउंड लेवल पे चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं जब करने की बात आती है, ठीक है। तो कुल मिला के सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार इलीगल सेक्स को, इलीगल प्रोस्टिट्यूशन को बैन करता है, ठीक है भाई। अभी बैन कर रहे हो तो जो सेक्स वर्कर्स यहाँ फंसे हैं उनको कुछ अवेलेबल कराओ, उनको राइट्स अवेलेबल कराओ। और राइट्स अवेलेबल करवाने की जो ताकत है सरकार के पास वो लिमिटेड है। नियम कानून क्या है इसके लिए? तो भैया सेक्स वर्कर को गवर्न करने वाला जो लेजिस्लेशन है इंडिया में, इसको बोला जाता है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। सबसे पहले इनैक्ट किया गया था द सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट, ये 1956 में इनैक्ट किया गया था। बाद में इसको बदल के बोल कर दिया गया इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। तो भाई कोई ब्रॉदल चलाना, ठीक है ना, किसी पब्लिक प्लेस में इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को करना, सेक्स वर्क के बेसिस पे पैसा कमाना, किसी सेक्स वर्कर की कंपनी में रहना, ये सब कहीं ना कहीं इन क्राइम्स के चलते, इन एक्ट्स के चलते, इन नियम कानून के चलते इलीगल है। बट हम सबको पता है कि ये चीज़ यहाँ पे ओपनली हो रही है। अब प्रॉब्लम ये है, ऐसा यहाँ पे एमपी मैडम का बोलना है। अब ये जो बोल रही हैं वो व्यू पॉइंट हो सकता है बाकी लोग ना माने। टी सुमथी जी ने लिखा है थमिजाची थंगापंदियान, ये एमपी हैं साउथ चेन्नई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से। इनका क्या बोलना है कि ये जो एक्ट है ये गलत प्रकार से देखता है सेक्स वर्कर को। सेक्स वर्कर को एक मॉरली रॉन्ग पर्सन समझा जाता है और जो लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं उनको गलत समझा जाता है। इस बात पे ध्यान ना देते हुए कि ऐसी बहुत सी सेक्स वर्कर्स हैं जो अपने मन से ये काम कर रही हैं, वॉलंटरली ये काम कर रही हैं। देखिए जो इनवॉलंटरली इस काम में आई, देखिए जब एंट्री होती है इस काम में किसी भी सेक्स वर्कर की तो देखिए वो इनवॉलेंट्रीली होती है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर ज़बरदस्ती की जाती है। लेकिन बाद में कुछ सेक्स वर्कर्स इसकी आदी हो जाती हैं, आदी हो जाती हैं इन द सेंस मतलब कि उनको इससे पैसा मिल रहा होता है, उनके घर का चूल्हा जल रहा होता है, तो ये काम करने लगती हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि भाई दो तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि किन लोगों को फोर्स किया गया, जिनको फोर्स किया गया और वो इस काम में नहीं रहना चाहते उनको सबसे पहले बाहर निकालो, उनको रिहैबिलिटेट करो। अभी रिहैबिलिटेशन अगर आप एक नॉर्मल सेक्स वर्कर का भी करोगे और उसको एक अल्टरनेटिव अच्छी ज़िंदगी आप दे सकते हो तो ज़्यादातर सेक्स वर्कर्स काम छोड़ देंगे अपना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अल्टरनेटिव देने के लिए कुछ है नहीं। कुछ एनजीओ इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन सेक्स वर्कर्स का नंबर बहुत बड़ा है और हमारे पास इतने अच्छे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इंडिया में है नहीं। फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं वुमेन के साथ एक टैबू जोड़ा जाता है। वो लेडीज़ जो अपने मन से सेक्स वर्कर वाला काम करती हैं उनको रिस्पेक्टेबल नहीं बोला जाता है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, उनको डीवीएस कैटेगरी में जाना जाता है, उनके वर्क को कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज किया जाता है, उनके खिलाफ वायलेंस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, हैरेसमेंट होता है। और इस चीज़ को यहाँ पे रोकने की ज़रूरत है। ये एक्ट इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि कुछ ट्रैफिकर्स के साथ ये वुमेन इंटेंशनली एसोसिएट होके अपने इस पर्टिकुलर काम को करती हैं, उनको इस काम को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़रूरी है सरकार के लिए कि ऐसी वुमेन को सेग्रीगेट करके उनको उनका काम करने दिया जाए, उनको रोको मत आप। क्योंकि आप उनको तब रोको जब आप उनको कुछ अल्टरनेटिव दे पाओ, आप अल्टरनेटिव दे नहीं पा रहे हो। सिर्फ क्रिमिनलाइज कर देने से सेक्स वर्कर को यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जस्टिस वर्मा कमीशन ने भी बोला है कि दो प्रकार की जो सेक्स वर्कर वुमेन है उनमें आपको सेग्रीगेशन की ज़रूरत है। एक वो जिनको ज़बरदस्ती इस धंधे में घुसेड़ा गया और वो बाहर निकलना चाहती हैं, दूसरी वो जो अब जिस वजह से भी यहाँ पे आई हो यहीं स्टे करना चाहती हैं। तो इन दो वुमेंस को, एक नॉन कंसेंटिंग एक कंसेंटिंग है, तो जो कंसेंटिंग अपनी मर्जी से इस काम में रहना चाहती हैं उनको रहने देना चाहिए, उनको नहीं रोकना चाहिए। तो एडल्ट मैन वुमेन और ट्रांसजेंडर पर्सन जो अपने मन मुताबिक सेक्स वर्क दे के अर्न करना चाहते हैं ये उनके राइट टू अर्न में आता है और उनको भी डिग्निटी से रहने की पूरी आज़ादी, उनके खिलाफ वायलेंस, एक्सप्लॉटेशन, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन बंद होना चाहिए। अब ये बहुत प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस है। आप में से बहुत सारे लोग और हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग इस प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस को नहीं मानेंगे, खैर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पे ये होती है कि अगर सरकार इस चीज़ को रोकना चाहती है तो सरकार, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको आपको अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सिर्फ सरकार के बोल देने भर से ये चीज़ यहाँ पे बंद होने वाली नहीं है। फिर कहीं ना कहीं जुडिशरी ने भी यहाँ पे कुछ प्रोग्रेसिव जजमेंट्स दिए हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का बुद्धा देव कर्मस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 2011 का केस है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सेक्स वर्कर्स हैं इनके पास भी राइट टू डिग्निटी के साथ रहने का राइट है। तो बेसिकली पार्लियामेंट को जो एग्जिस्टिंग
लेजिस्लेशन है इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। ये पर्टिकुलर जो लेजिस्लेशन है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इसमें कुछ ऐसे चेंजेस करने की जरूरत है जिससे इन सेक्स वर्कर्स को भी डिग्निटी के साथ रहने को मिले, और अनटिल एंड अनलेस इनको कोई वायबल अल्टरनेटिव मींस ऑफ लाइवलीहुड नहीं प्रोवाइड किया जाता है तब तक जरूरी है कि इनके काम को भी रिकॉग्नाइज करो, एट द सेम टाइम इनके खिलाफ वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन ना हो इस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज करो, और प्रॉपर ऐसी प्रैक्टिसेस को आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करो जिसके बेसिस पे बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा ना फैले इनके बीच से बाहर सोसाइटी में। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब इस पॉइंट पे आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो आप क्या क्या लिख सकते हो, देखिए इस आर्टिकल से एग्जाम परस्पेक्टिव से आप क्या क्या उठा सकते हो। तो एक ये बुद्धा देव कर्मस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 2011 वाला पॉइंट उठा सकते हो, एक नॉन कंसल्टिंग एडल्ट्स और कंसल्टिंग एडल्ट्स वाला पॉइंट उठा सकते हो, दूसरा इस एक्ट को याद रखना इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। तो ये तीन चार पॉइंट्स अगर आप किसी क्वेश्चन में लिखते हो आपको कुछ अच्छा नंबर मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।